अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी है अजीम नाजा, जो कि आप सबको अच्छी तरह पहचानते, बताने की जरूरत नहीं है, है ना। तो अभी कुछ हम लोग कवाली सुन रहे थे, छोटी छोटी नए नए कलाम, तो इतने अच्छे अच्छे ना, इतने अच्छे अच्छे। और आप लोगों को तो पता है कि हर साल कुछ अजमेर में उर्स में रह दो या बाबा ताज में रह दो, है ना, ताजुद्दीन सरकार में कुछ नई कड़ी बन के आती, नई कवाली आती है। तो माशाल्लाह अभी एक जो नई कवाली बनाई गई वो पावा ताज में गाएंगे स्पेशली। तो उसकी थोड़ी सी कड़ी हम लोग आप लोग को सुनाते है ना। बोलो अब के छटी ऐसा हो जाए, अब के छटी ऐसा हो जाए, ख्वाजा पिया के संग संग हाय ताज वाला, मुझे मिल जाए ताज वाला, मुझे मिल जाए। बस ये सरप्राइज है। और आगे की अगर आप लोगों को कव्वाली सुनने का है तो वो बाबा ताज में सुनने मिलेगा आप लोगों को। और वो अभी है ना दूसरी वाली कलाम, अरे कौन सी गाए थे, जिंदगी की तुझसे निस्बत है मुझको बड़ी, देख ले ख्वाजा बस दो घड़ी, सर झुकाए दरे चिश्तिया में, सर झुकाए दरे चिश्तिया में, बोल उठी आंसुओं की लड़ी, देख ले ख्वाजा बस दो घड़ी। माशाल्लाह। और जितने भी कवाली है आप लोगों को सिर्फ अभी नागपुर का जो उर्स आने वाला है 31 तारीख को जाएंगे हम लोग, जाएंगे 1 तारीख को ना, हम लोग 31 तारीख को जाएंगे, हम लोग 31 तारीख को जाएंगे बाबा ताज। तो ये लोग की कवाली जो भी है जो नई नई बनी है आप लोग को सिर्फ बाबा ताज में सुनने। और 2 तारीख को शाही संदल है, शाही संदल भी तो इंशाल्लाह वापस महफिल होगी, है ना। जैसा इंशाल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्से पाक में आप हम सब मिलते हैं, अल्लाह आपकी हिफाजत करे और आप मेरे हक में दुआ करें, शुक्रिया, खुदा हाफिज। और बाकी का पूरा वीडियो और थोड़ा बहुत है जो हम लोग भी वहाँ पे महफिल रखेंगे ब्लॉक में और देखने में नागपुर क्या हंसी मजाक कर रहे क्या, और नागपुर में हम लोग भी महफिल रखेंगे इंशाल्लाह, ताली बाबा के इधर हम लोग भी महफिल रखेंगे इंशाल्लाह, है ना फारूक भाई। बाकी का पूरा वीडियो जो भी आप हमारी हंसी मजाक और कव्वाली और मेरे ब्लॉग में देखेंगे, ठीक है। तो माशाल्लाह अभी जैसे कि आपने देखे अभी और हम लोग नई नई कड़ी सुने, वो अभी ने जब रियल सुनेंगे स्टेज पे तब मजा आएगा, है ना। माशाल्लाह एकदम दिल को छूने वाली क्योंकि बाबा ताज में तो जाएंगे, बहुत सारे प्रोग्राम तो है अभी, तो वहाँ पे हम लोग सुनेंगे और उस कलाम का मैं वीडियो भी डालूंगी। लाले कुछ तुम देने वाले थे अभी कुछ वो पूरा होने तो कंटिन्यू करने का जिंदगी की कहाँ है मेरे को याद, थोड़ा तो वो तो उस दिन मेरे सामने वो कलाम लिखा हुआ था, थोड़ा तो सुना रहा अभी याद आ जाएगा, मेरे को याद नहीं है, थोड़ा हंसी मजाक तो चाहिए, डाल दूँ डाल दूँ, ये ऐसा कैसा, ये कौन सी बात है, अभी सब याद आ जाएगा, कवाल लोग खाली नोट दिखाते सब क्या है, लेकिन घर का माल फिर घर में आ जाना है, नहीं 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 देता बाबा, एक मिनट जरा रुका, अभी है जो जिंदगी की न टूटे सुना दो देखिए यार रखो हम लोग कभी कभी आ जाओ उस माँ का प्यारा है तू, सैयदा का दुलारा है तू, ऐसे ऐसे फैला और ख्वाजा हमारा है तू, तू आंख दर से तेरे लड़ी, देख ले ख्वाजा बस दो घड़ी, हाथ लगाना नहीं है क्या, कभी कभी ऐसे हंसी मजाक ये सब जरूरी है ना, चले लाइन चल। और आप लोग तो हमारी रियल हंसी मजाक देखे नहीं, तो हंस हंस के पागल हो जाएंगे, है ना, ये ईमानदारी से मेरे सब हंसी मजाक था, मैं कोई पैसे के लिए नहीं गा रहा था, हाँ, हम लोग की मैं ये
लेकिन ये कवाली में अगर हमारे जेब से पैसे निकलते ना तो ये किसी को नहीं देते, सीधा अपने जेब में डालते हैं। हाँ, हम लोग के पैसे सीधा जेब में, सीधा जेब। बाद में एक रुपया भागी नहीं हम लोग को। हम लोग ईमानदार है कि भाई ईमानदार ना जना ना है ना, किसी कवाली सुने तो बनता है ना, इतना ही मिलेगा। बड़ा खुश नसीब शोहर होता है वो, जब मम्मी के हाथ से पैसे ले लो और वो जेब में जाएगा, वो हम लोग को बाद में एक रुपया भी इससे जेब में जाता है। कवाली में भी अगर हम लोग 500 नोट हमारे जेब से उठाएंगे तो इनके जेब में जाता है, बाकी वो सब में बंटवारा नहीं होता है ना। नजीब भी क्या बोलता रहेगा उसमें, नजीब का पैसा मेरा है, वो मेरा है, पब्लिक का जो पैसा वो तुम्हारा है। नागपुर में अरे अभी तुम्हारी कवाली सबको बताई तो सोफी को लगा रही, बताने की जरूरत ही नहीं, ऐसी फेमस हो जाते तुम, है ना। जानी मानी हंसती है ना, अजीब ना जाता मेरी बहू ने वो कितना प्यार से वीडियो ले लिए अंकल का तो जैसे कि आप लोग ने देखे कि हम लोग इतनी थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर रही है वो, और दो फरवरी को हम लोग रहेंगे बड़ौदा में, क्यों 3 तारीख को कवाली है ना बड़ौदा में, 2 तारीख को कवाली ना बड़ौदा सारी बेटी बेटी की, दो या 3 को है, 2 तारीख को, हाँ 2 तारीख को है, तो हम लोग जाएंगे बड़ौदा फरवरी में 2 तारीख को बाहर, वहाँ पे भी अमरनाथ जी कवाली की, मेरे भाई के बड़े लड़के की शादी है, हमारे घर का फंक्शन रहेगा तभी तो सब मेरा लाले, तो मुझे मेरे बड़े भाई के लड़के की शादी है बड़ौदा में, हमारे फारूक भाई के लड़के की, तो फरवरी में हम लोग इंशाल्लाह सब रहेंगे बड़ौदा, 1 तारीख से लेके 5 तारीख है ना, 4 तारीख तेरे मुँह से खोलेगी नहीं कुछ, हाँ कुलसुम आप आएंगे अभी सोनू के मुँह से कुछ सुनेंगे आप लोग, सोनू सुना अस्सलामुअलैकुम, तो कुलसुम आपा ने आपने सुना होगा कि 2 फरवरी को वो बड़ौदा आने के गए, तो फुल धमाल फुल मस्ती होगी और अजीम नाजा भाईजन भी आने के उनकी कव्वालियों ने के, तो पब्लिक बेसब्री से इंतजार करेगी और मैं भी आने वाली हूँ, बिल्कुल जहाँ मेरी कुलसुम आपा हो गए वहाँ तो मैं आने वाली हूँ, और अजीम नाजा भी जाओगे वहाँ तो मैं, क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन और मेरे भाईजन भी लगते हैं हमारी पठान के हस्बैंड, तो फुल मस्ती फुल धमाल के साथ अपने एंजॉय करेंगे वहाँ बाजू बड़ौदा में, साली तो फिर आधी घरवाली होती है क्यों धप्पो बराबर के नहीं, नहीं मैं बहन हूँ साली वाली नहीं मैं बहन हूँ भाईजन, मैं तो साली हूँ ना, मेरी बहन तो मैं साली ना, साली हूँ, साली है मेरी, सबो पठान है कुलसुम नायक, हम सब आएंगे फुल एंजॉय करेंगे बड़ौदे में 2 फरवरी को, ओके, और हमारा कबीर भी आएगा ना, कबीर दरगाह पे जियारत करने, राजू भाई फिर से आज पठानी पहने ले, राजू का पठानी बताओ, तुम्हारी पठानी सेटानी बताओ जरा, कान में डाल के बैठे क्या कुछ, इतना जल्दी पठानी तेरी बता तो, ये देखो क्या हो तेरी पठानी बता रही भाई, जुम्मा नमाज पढ़ने गया था तू, नहीं नमाज तो नहीं बोला, सो गया था, लेकिन जुम्मा बना रहा है पठानी पहन के वो नहीं लगती पतला क्यों रहे हो, इन्हें समझ आ रहा है क्या टेंशन ले रहा है, हैदराबाद राजू भाई का टेंशन ले रहा है लकी और ये दोनों किधर जाते हैं होटल में, ऐसा जरा चुनकुलापन लगता है, थोड़ा मस्ती मजाक लगती है, लेकिन राजू भाई के रात को मजा आती है बहुत, अरे राजू भाई लाओ के बाद में राजू भाई का टाइम चालू हो जाता है, मोहरम शरीफ चलते हैं अभी, अच्छा इसके लिए, अच्छा एहतराम कर रहे हैं माशाल्लाह, अच्छा ये और राजू भाई वो है क्या ब्राह्मण है ना, पंडित है पंडिता कट्टर पंडित, लेकिन देखो मोहरम का एहतराम नहीं है, धार्मिक 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 बोले तो वही ना, धार्मिक कट्टर का मतलब अलग होता है कुछ भी है ना, लेकिन तो मान रहे ना मोहरम को, अभी रोशनी होने वाला है तो पहले कर देंगे जाएगा,
कितना इतना रीजा इतना होंगे तो सही ना नहीं पटाने के पूरी नहीं पटानी तो नहीं कलर कलर का पैसा गाइस वो लड़के रो रही है हमने से मिलकर के साथ सब फोटो ले रहे हम लोग सब बैठे लेना है आधा ले चुकी हूँ मैं एक रेडी है सब इधर से ऐसा से इतने सारे क्यों लिए चरागे चिश्तिया में रोशनाई सब अली की है चरागे चिश्तिया में रोशनाई सब अली में दिया तबरुक का क्या मैं दिया था ना बच्ची से गिला हुआ था क्या बस हो गया कोई नहीं खा रहा मैं खा लिया कोई नहीं खा रहा
फरमाते हैं आपके पोते के दरबार तो सब आका हुसैन ने सदका अदा फरमा रहा है गरीब नमाज और ए रब जहां पंज तने पाक का सदका कौम का दामन गमे शब्बी सदका गम कोई न दे हमको सिवाय गमे शब्बी को शब्बीर का गम मार कहां है ए रब जहां पंज तने पाक का सदका या मौला करम हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन जी पनाह अस्त हुसैन मालिको मुनाही चलो भाई चलो आगे निकल यहाँ से होटल
कहाँ जा रहे हैं? अच्छा अच्छा दो तीन दिन हो गए तुम्हारा वो है ये नया नाम जी अरे होटल में पीछे की एंट्री है यार, ये भी देखो लाले पहले आके बैठ गए एकदम और आज यार होटल देख के दिल खुश हो गया। एक नंबर आजा ब्रांड भाई, आजा भाई वाटर लाओ भाई, आजा भाई वाटर, आजा भाई वाटर ये तो उधर हो ना। अरे तो हमारी नहीं खरी डिस्टर्ब कर रही है, की बात कर रही है ना ट्रेन में। और यहाँ पर लड़के लोग ये होटल है, सब सोई ले दे अचानक से कैसा पावर आ गया सबको। और रफीक भाई को ज्यादा है पावर, कुछ तो बोल रहे क्या भाई। ये देखो ये रफीक भाई, रुक रुक पब्लिक को दे, देखो ध्यान से देखो, देखो कितना बापरे बाप, बापरे बाप, बापरे बाप। ये बिरयानी, ये वो जो होटल में देखो ना, बिरयानी की होटल है और सलाद और होटल भी अच्छा है, इधर खाना भी है। हमारी बहन तो इधर ही रुके, तुमने भी इधर रुके ना। भाई ये होटल इतनी अच्छी खाली इतना है कि बस दिल्ली गेट के इधर है, अगर कोई एकदम सुकून चाहता ना तो इधर आके रुकना, एकदम सुकून ही सुकून है इधर। मीठा जर्दा भी आया, नियाज का जर्दा, नियाज का जर्दा और आज बेचारा हमारा वीडियो बना रहा है, हमारा भाई सच में माशाल्लाह जर्दा भी है, नियाज का जर्दा है, नियाज की हली में नसीब वाले के हम लोग नियाज नसीब हो रही है इधर माशाल्लाह। और यहाना ने ये पुलाव बिरयानी और ये जर्दा बनाए थे और हर महीना देखते हैं इनका भी फातिहा का नियाज तो रहता ही रहता है, पापा का रहता है, लोग करते ही करते हैं, तो अल्लाह इन लोग को और नवाज ऐसे क्या, हर महीना सबको खिलाते ही रहते हैं, हर रोज खिलाए तो सोच रहे अल्लाह रोज दस्तर खान खाना ये सब भरला तो रहता ही है ना। खा ले मटन भुना, अंडा भी आया पठान भाई का अंडा, सॉरी मेरे नसीब है बाप जो डिनर टाइम मुझे लगे पठान साहब बैठे ले है, रोटी है, अभी रोकना ना वो आएंगे फिर बर्बाद। मैंने तो आपका आदेश जब तक नहीं होगा, नहीं यार पहले आते थे बहुत ही है, ये तो बाई तेज चलते आते थे, अभी बंद दीदी एक मिनट हटो, माँ भी इतना लगते मैंने चटनी और वो रोटी खिलाई वहाँ के दरवाजा, मेरी मम्मी देखते रहती थी तब की वीडियो ना, मैं इंदौर वाला शाम को बात कर रहे थे हम लोग। चलो यहाँ देखो मोहसिन भाई भी आ जाओ,
और माशाल्लाह हम लोग को ये होटल में खाना भी एक नंबर लगा, है ना दादे, गुना तो एक नंबर बना। होटल भी इतनी अच्छी थी। और ये आपको अप्पा के बेटे लगते हैं, अप्पा के बेटे ही ये समझो, ये हमारे अप्पा माँ हमारी बहन। अस्सलाम वालेकुम। तो समझो ये इनकी ही होटल है, पूरा अरेंजमेंट सब देखना करना। मिला के रोटी और बोटी बहुत अच्छा लगा। हमारे पठान को अच्छा लगा। सक्सेस का सच बात है कि लाड़े को ज्यादा जल्दी किसी इधर का खाना अच्छा नहीं लगता है, मगर अभी माशाल्लाह खाना अच्छा लगा। तो पेट भर के खाए, शान बनाया। बहुत दिल खुश हुआ, दोनों लोग आए जी। जजाक अल्लाह, जजाक अल्लाह ने अच्छा रखे। आमीन आमीन। आपको जजाए खैर। दुआ करते हैं कि माशाल्लाह इतने अच्छी होटल बना, वैसे चलना भी चाहिए। और स्टाफ भी बहुत अच्छा, फटाफट सर्विस है इधर की। ऐसा नहीं कि आओ बैठो बहुत टाइम का सर्विस, वैसा नहीं। सर्विस भी होटल में बहुत अच्छी है। कौन सी होटल है भाई? अलजुबिन, दिल्ली गेट। दिल्ली गेट होटल अलजुबिन, अजमेर में दिल्ली गेट। प्राइस भी इतना ज्यादा नहीं, आप लोग डरना मत, देख के इतनी बड़ी होटल है, पैसा ज्यादा लेंगे। रिजनेबल में एक बार आप आना, एक बार उनसे अपो अपा का नाम लेके तो बता देना, तो इंशाल्लाह बजट में ज्यादा। होटल भी इधर रहने के लिए रूम बजट में अच्छे से हो जाएगा। बताएंगे आप लोगों को, कैसे भी बताते हो। अगर आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। ये वाला रूम बस खाली 4 दिन के लिए है, और अपन 5 जन तक का रेस्ट। और होटल का स्टाफ, होटल के भाई, सबसे अच्छा लगा आते ना कि आ गया मौसम का क्या। और आप लोग जरूर आना, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। अरे इतना गुस्सा दबो में नीचे सब खड़ो ऑफिस में इधर इधर ये सब माशाल्लाह ये हमारे होटल के ये सब ऐसा मोहब्बत ही लोग। अब मुझे अगले महीने इंतजार रहेगा कि तुलसी मापा और पठान साहब नहीं आए। इंशाल्लाह क्या बोलते हैं।